हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। आज नॉमिनेशन हमने किया है और नॉमिनेशन जो है हमने 4 सेट में फाइल किया है ताकि इनको कोई मौका ना मिले डिस्क्वालीफाई करने का, क्योंकि आपको पता है कि जब जो नए आदमी चुनाव में आना चाहते हैं तो उनके कई तरह से टांग खींचा जाता है। तो हम चाहते हैं कि पिछले बार हमारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, इस साल डिस्क्वालीफाई ना हो, तो इसके प्रयास में हमने 4 सेट में डाला है। बाकी देखिए क्या होता है, अभी तो 3 तारीख को लास्ट डेट है, 4 को स्क्रूटनी होगा, तब क्या होता है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो क्या कुछ रहेगा? देखिए हमारा तो पार्टी है, वैसे हम जो है पार्टी के तौर पे चुनाव अभी जो है इस साल नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट, हम अपनी पहचान जो है लोगों से कराना चाह रहे हैं कि हमारी पहचान जो है लोग तक पहुँचे, लोगों को लगे कि हाँ पहले तो मैं अपने आप को लेकर आ रहा हूँ, फिर मैं पार्टी को लेकर आऊँगा जनता के बीच में। अभी तो मैं अपने आप को लेकर आया हूँ जनता के बीच में, जो 19 लाख वोटर हैं उससे ज़्यादा जो वोटर हैं उनके पास जो है जनता के तौर पर जाते हैं। जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके मतदाता? जनता को कहना चाहेंगे कि भैया आप कब तक सोए रहोगे, 5 साल 10 साल हो गया आपको, सब वही विधायक वही सांसद वही जो है आदमी आते रहेंगे तो आपका क्षेत्र का विकास नहीं होने वाला है। अगर आपको विकास करना है तो लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए आपकी वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत को आप जो है छोड़ दीजिए। दिल्ली में कौन सरकार बनेगा, पटना में कौन बनेगा, मधुबनी में कौन बनता है, उस पर आप लोग के फोकस होना चाहिए, उस पर जोर कीजिए। हम चुनाव लड़े ना लड़े, हम जीते ना जीते, लेकिन ये मैसेज अपने आप में आप लोग डाल लीजिए कि मधुबनी का विकास होगा तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा, मधुबनी का विकास नहीं होगा तो आप लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगा। हम लोग खा चुके हैं और इसलिए आए हैं जनता को ये बताने के लिए कि उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जागरूक हो जाए, अपने वोट का मतदान ना पैसे लेके करें, ना किसी के बहकावे में करें, ना किसी चाय दुकान पे चर्चे पे करें, ऑनलाइन जो है सर्च करें कौन सा कैंडिडेट कैसा है, कौन काम किया नहीं किया, उसके आधार पे वोट करें। जी धन्यवाद। जनसंपर्क आप किए हैं और अगर किए हैं तो जनता से आपको क्या सुनने को मिला है? जनता का एंटी इनकम्बेंसी बना हुआ है रूलिंग पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे मधुबनी जिला में एंटी इनकम्बेंसी बना हुआ है, उनके कैंडिडेट जो है जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। दूसरे जो कैंडिडेट हैं आरजेडी के वो भी पटना में है, वो दरभंगा के हैं, स्थानीय मुद्दा यहाँ का हावी रहा है। अभी दोनों जो है कैंडिडेट जो नेशनल पार्टी के और स्टेट पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो दोनों दरभंगा जिला से आते हैं। मेरा सीधा एक पूछना है मधुबनी के वोटरों से, 19.5 लाख जनता से, कि कोई मर्द का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है कि मधुबनी वाले को टिकट मिले, जो हम लोगों के साथ बाइफर्केशन किया जा रहा है, हम लोगों को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि मधुबनी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको टिकट दिया जाए और वो नेशनल पार्टी से चुनाव लड़े, स्टेट पार्टी से चुनाव लड़े, जो बाहर से दरभंगा से इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो जनता को ये चीज़ सोचना चाहिए और वो फिर उसके हिसाब से तो वोट इस बार जो है चेंज होगा, बदला होगा, उसमें एक जो है मेरा भी अपना दावा है, लेकिन देखते हैं पहले तो हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो, क्योंकि नॉमिनेशन एक्सेप्ट होने के बाद ही हम जनता के बीच में चुनाव लड़ पाएंगे।